कि आपको बताएं कि मुल्तान में क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम को कामयाब बनाने और मॉनिटर के लिए मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और यूनियन काउंसिल के अमले को ट्रेनिंग भी फ्राहम की जाएगी। एक अहम खबर आपको अपडेट करते चलें तो मुल्तान में क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम को कामयाब बनाने और मॉनिटर करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल नियाजी से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम को कामयाब बनाने और मॉनिटर करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। सवाल से मोबाइल एप्लीकेशन के लिए जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्टाफ है, उसके अलावा यूनियन काउंसिल्स के जो सेक्रेटरीज हैं, उनको सवाल से ट्रेनिंग दी जाएगी। फोकल पर्सन स्पेशल सेल की जानब से डेप्टी कमिश्नर्स को सवाल से मरासला लिखा गया और मरासले में वाजह तौर पर कहा गया कि हुकूमत पंजाब की जानब से क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी है, तो सवाल से इसको कामयाब बनाने के लिए तमाम तरह जो रोजाना की बराबर जो एक्टिविटीज होती हैं वो इस एप्लीकेशन पर अपलोड की जाए, ताकि देखा जा सके, मॉनिटर किया जा सके कि क्या वाकई चीजों पर और अहकाम पर अमल दरामद किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। इस हवाले से अगर बात करें तो जो अहकाम जारी किए गए हैं उसमें रोजाना की सफाई के हवाले से, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के हवाले से, ट्री प्लांटेशन के हवाले से और कब्जा माफिया के खिलाफ जो ऑपरेशन होगा उसकी अपडेट इस एप्लीकेशन पर रोजाना के हिसाब से अपलोड की जाएंगी। उस हवाले से अर्बन यूनिट की जानब से जूनियर काउंसिल के सेक्रेटरीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जी।